बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के हम इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे कि हम डेप्रिसिएशन रेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को। क्वेश्चन क्या है? A machine costing 7,20,000 is estimated to have a book value of 40,545.73 when retired at the end of 10 years. ठीक, यानी after 10 years के बाद उसकी residual value क्या है? 40,545.73. Depreciation cost is computed using a constant percentage of the declining book value. Declining book value यानी कौन सा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करते हैं। उसने कहा कि डेप्रिसिएशन रेट चार्ज करें। ठीक है, नीचे रिक्वायर्ड क्या है? व्हाट इज़ द एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज? उसने पूछा है कि परसेंटेज में डेप्रिसिएशन रेट क्या होगा एनुअल बेसिस पर। ठीक है, नीचे ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ए ऑप्शन क्या है? 25% होगा। सेकेंड बी में पूछा उसने कि 20%। थर्ड ऑप्शन दिया 28% एंड फोर्थ डी ऑप्शन दिया उसने 22%। डियर स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करते हैं कि एनुअल डेप्रिसिएशन रेट क्या होगा बाय यूजिंग डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ द एनुअल डेप्रिसिएशन रेट बाय यूजिंग डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में जैसे कि हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, कॉस्ट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? 7,20,000। उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू क्या हमें गिवन है? 40,545.73। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का हम फिलहाल इग्नोर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद यूजफुल लाइफ हमें क्या गिवन है? 10 ईयर्स की। ठीक है, और उसने रिक्वायर्ड क्या क्या है? व्हाट इज़ द डेप्रिसिएशन रेट इन परसेंटेज बाय यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेप्रिसिएशन रेट चार्ज करने का फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, फार्मूले को अंडरस्टैंड करेंगे कि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को इस्तेमाल करते हुए जब भी हम डेप्रिसिएशन रेट फाइंड करते हैं तो फार्मूला कौन सा हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम यानी एनुअल बेसिस पर जब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को इस्तेमाल करते हुए डेप्रिसिएशन रेट चार्ज करते हैं तो फार्मूला क्या है? 1 - √ रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट, और ये बाहर एन 1 में से माइनस नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट के ये ऊपर ये एन दिया है, ये क्या शो कर रहा है? ईयर्स को शो कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर्स। ठीक है, जितने भी ईयर्स हमें गिवन होंगे, एन किस को शो कर रहा है? ईयर को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 1 एज इट इज़ फार्मूले का आ गया, माइनस एन हमारे पास 10 है। ठीक है, एन हमारे पास 10 है, जैसा कि यूजफुल लाइफ हमें 10 ईयर्स गिवन है। उसके बाद अंडर रूट और रेजिडुअल वैल्यू, डियर स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? 40,545। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू को लिख लेंगे 40,545। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट, कॉस्ट हमें क्या गिवन है? 7,20,000, उसे हम लिख लेंगे 7,20,000। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 1 एज इट इज़ आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए, जो कि अंडर रूट के बाहर 10 की पावर दी हुई है, इसे हम 10 पावर दिए तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट को ख़त्म कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे हम। ठीक है, 1/10। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी पिछला स्टेप जो कि था वो हमने एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे 1 - रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई कॉस्ट की पावर 1/10। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने अंडर रूट ख़त्म किया है तो इसकी पावर 1/10 बन जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 1 एज इट इज़ आ गया, माइनस का साइन भी एज इट इज़ आ गया, और 40,545 डिवाइडेड बाय 7,20,000 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 0.056। डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू का हम राउंड करके पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ठीक है, 0.056 की 1/10 पावर एज इट इज़ आ गया। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 1 एज इट इज़ आ गया, साइन भी एज इट इज़ आ गया। अब 0.056 की पावर हम लेंगे 1/10 यानी 0.1 इसकी पावर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 0.75। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, 1 - 0.75 तो हमारे पास आंसर आता है 0.25। ठीक है, परसेंटेज में हमें फाइंड करना है क्योंकि एनुअल रेट
तो मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर परसेंटेज, 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 25%। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है जो कि हमें फाइंड करना था। डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस में देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए में हमें क्या गिवन है, 25% जो कि हमारा करेक्ट है। ठीक है, जैसा कि हमने 25% ही चार्ज किया, 25% ही फाइंड किया एनुअल डेप्रिसिएशन रेट को, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए एनुअल डेप्रिसिएशन रेट चार्ज करते हैं बाय यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।